हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और हम बैठे हुए हैं बाहर। ये रही हमारी चाय, क्योंकि आज हमें निकलना है। और आज कौन सा डे है यार, याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा डे है। सो आज ही हमें जाना है इलाहाबाद के लिए। अच्छा, मुझे हमको कहने क्या, तो आज हमें जाना है प्रयागराज, यहाँ से घर को छोड़कर। ऐसे बंद तो नहीं लग रहा, अभी बाबू सो रही है, अभी कुछ पैकेजिंग बाकी है, तो हमने कहा इससे पहले हम चाय पी लें फटाफट से चाय पी लें, फिर उसके बाद निकले। और मम्मी सारा सामान पैक कर रही हैं भाभी के लिए। बड़ी वाली दीदी जो हैं वो नहीं आई थी, तो उनके लिए, मतलब भाभी जिनको मैं बोलती हूँ, तो उनके लिए सारा सामान ली है, गुझिया पापड़ जो होता है सब कुछ वो पैक करी हैं, ताकि बच्चे भी खा लें। तो अब देखो आपके भैया जी जो भी बोलते हो आप, अगर वो जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे देने, अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर देखो कौन ज़्यादा पापा हो सकता जाए, या भैया शाम को ऑफिस आए फिर वो लेकर जाएँ। तो चलो अभी चाय पी लेते हैं फटाफट से, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, अब हमारा ससुराल से जाने का टाइम आ गया है, यानी कि बहू रानी अब सबको छोड़ कर चली प्रयागराज। और दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ घर वालों को छोड़ कर जाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को कहाँ से कहाँ लाकर पहुँचा देती है, तो बस वही है। और यहाँ मैं मम्मी जी के पैर छू रही थी, और इसके बाद मम्मी जी बोली मौसी हैं उनके छू लो, और लोग अपनों से दूर बस इसी वजह से होते हैं ना, कहते पेट ऐसी चीज़ होती है ना जो हमारी ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है, और उसी की वजह से लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो बस यही होता है ना, पेट, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी हमारी ज़रूरत है ना कि इंसान को दूर 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 कर देती है। तो मुझे तो यही लगता है, अब यही होता चला आ रहा है कि इंसान अपने पेट के लिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो बस वही है कि अपना काम, अपना बिजनेस अगर यहाँ रहो तो फिर वही वाली दिक्कत हो जाती है, और अधिकतर लोग अपनों से इसी वजह से बस बिछड़ते हैं, दूर रहते हैं, तो मेन कारण यही है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी तो बस लोग वही करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ रह गई हैं, है ना। तो मेरा यहाँ छोटू मोटू बाबू कितना मस्ती कर रहा है, खुश है गाड़ी में बैठने के लिए, उसे कोई फ़र्क नहीं है कि वो जा रहा है, बस उसे गाड़ी में बैठना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए इसको आगे, मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो 2-10 कदम पे मैं इसको लेके जाती हूँ बिठा के, ताकि ये खुश रहे और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे साथ बैठ गया मेरा छुटकू। सो चलो आगे हम इसको उतार देंगे और चलते हैं हम हमारे प्रयागराज की नगरी। तो हम बाबू को उतार चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, जो हमारे घर का एरिया है, बगीचे, बाग बगीचे, वो सारी चीज़ें हैं। और इनको मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ कि जब मेरी बाबू बड़ी हो या फिर जब हम लोग बुढ़े बुढ़ी हो, तो फिर इन सब चीज़ों को देख सके, हमारी फिर से यादें ताज़ा हो सके। बहुत ही अच्छा है, क्या क्या पता कल आज ये ऐसा है, कल ये कैसा रहे, है ना। सो चलो अब हम मिलते हैं आप लोगों से सीधा प्रयागराज में, और यहाँ पे धान गेहूं जो भी हो रहा था वही कतरा जा रहा था। पापा हैं तो कच्चे वाले हैं, और ये मम्मी जी ने गुजिया भेजी है हम लोगों के लिए। गुजिया हम ज़्यादा खाते नहीं, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं ली है। और ये घर की बनी नमकीन है, और क्या बोलते हैं यार उसको, और तले हुए थोड़े से पापड़ थे जो सब लोगों ने खा लिया, और सेम भाभी के लिए ये झोला है, तो ये भाभी के लिए जो तला वाला पापड़ है वो है, तो ये भाभी का सामान है, मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ जो भैया। और ये इनका पापड़ है भाभी का, और ये भाभी के लिए नमकीन सेम सेम, और किसी भाभी का घर दूर है यहाँ से, और यार ये उनकी गुझिया है भाभी जी की हमारी, तो ये भाभी जी का सामान है, और
ये हमारा है, तो मम्मी ये हमेशा सबके लिए बराबर ही भेजती हैं। चलो मैं आपको पास से दिखाती हूँ मम्मी जी ने क्या क्या भेजा है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर आगे वाला हमारा है, पीछे वाला भाभी जी के लिए है। मम्मी जी ने अच्छे से ही पैक करके दिया है हम बहुओं के लिए। झोले में डाल दूँ जो भैया आएंगे तो लेके जाएंगे सबसे पहले। अरे बाप रे, गुचिया भारी है ताकि छूटे ना। और भाभी लोग नहीं जा पाई थी लेकिन मम्मी जो है कैसे रखती यार। और ये इनका पापड़ तो भाभी का सामान, भाभी के बैग में हो गया पीछे रख दे रहे हैं। और सबसे पहले जो गुछिया है हमारी उसको हम खाली कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो गुझियाँ हैं इनको मैं स्टील के डब्बे में रख रही हूँ ताकि खा सकें। वैसे मुझे गुझिया बहुत कम पसंद है तो यहाँ पर अच्छे से मैं डिब्बे में रख रही हूँ। और भाभी का मैंने साइड में रख दिया है। और मेरी सासू माँ मतलब उनमें वो तीन बहुओं में कभी फ़र्क नहीं लगाई हैं, तीनों को हमेशा बराबर प्यार करती हैं और हमेशा बराबर मानती हैं। इसी वजह से आप देख सकती हो हमारे लिए भाभी के लिए, भाभी नहीं जा पाई फिर भी उनके लिए भिजवाई हैं। मतलब कुछ भी होता है ना तो हम सब के लिए अच्छे से ही बराबर हिस्से में आता है। जैसे बचपन में कुछ भी आता था ना तो मम्मी जी से बराबर का हिस्सा लगाती थी, वैसे ये मेरी मम्मी जी हैं। सो यहाँ पर हमने सब कुछ रख दिया है। और उस झोले में आलू है तो उसको मैं बाद में रखूँगी। और यहाँ पे जितने कपड़े थे गंदे बंदे कपड़े थे तो मैं उनको एक साइड रखी थी और साफ़ कपड़े को एक थैली में करके रखी थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना कि वहाँ पर जो ड्रम है उससे पानी निकालना पड़ता और मेहनत करनी पड़ती बहुत। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पर आराम से धुल लूँगी। और वहाँ पे टाइम का पता भी नहीं चल रहा था तो मुझे बस यही था कि जितने दिन आई हूँ उतने दिन अच्छे से रह सकूँ। और अब हम बाथरूम में आ गए हैं सभी कपड़ों को लेकर। ये देखिए आप, इन सभी को हम अच्छे से निरमा डाल के भिगाएंगे, क्योंकि थोड़े से होते तो साबुन लगा लगा के धुल लेती, लेकिन अगर ढेर सारे कपड़े हैं ना तो फिर हालत खस्ता वाली हो जाती है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं निरमा डाल के अच्छे से ही ये कर रही हूँ, क्या बोलते हैं यार पानी में मतलब घिंगोना क्या बोलते हैं वो कर रही है, ताकि निरमा मिक्स हो जाए। और सभी कपड़े को इसमें टब में अच्छे से ही भिगो दूँगी, ताकि कपड़े बहुत सारे थे ना इसलिए मैं ये वाला टब यूज कर रही हूँ, वरना बाल्टी में ही हमेशा धुलती हूँ। सो चलो फटाफट से इनको भिगा देते हैं। और जिन कपड़ों में मुझे लग रहा है कि मुझे साबुन लगाना है बाबू के कपड़ों में तो उन कपड़ों में मैं साबुन लगा के धुलूँगी। तो अभी पहले फ़िलहाल ये देखिए इस तरीके से साबुन लगा के धुल रही हूँ, क्योंकि ये बाबू की जीन्स वगैरह है थोड़ी सी मैसी मैसी हो गई थी, तो फटाफट से इनको धुल लेती हूँ। और तसले को हमने साइड खसका दिया है ताकि वो निरमे में अच्छे से फूल जाए, फिर मैं उनको साफ़ कर सकूँ। लोगों को मैं अच्छे से धुल लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से आराम से बैठती हूँ मिलती हूँ, क्योंकि अभी ये 1.5-2 घंटे का काम है, धीरे धीरे से धुलना नहाना धोना सब कुछ करना है ना। सो चलो अभी आराम से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ नहाने। सो गाइस हम नहा चुके हैं और साड़ी हमने ये ब्लू वाली डाल ली है। और इसके बाद अभी देखते हैं हम क्या बना लेते हैं, क्योंकि पूड़ी जो है वो मम्मी जी ने घर से ही बना के दे दी थी, तो पूड़ी रोटी पराठा ये तो हमें बनाना नहीं है, बस हमें बनाना है सब्जी जो पूड़ी के साथ खा सकें। और इनसे पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो सोच रही हूँ आलू की भुंजिया ही बना लूँ, तो देखते हैं वही बनाएंगे। गाइस अब हम कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड और देख लेते हैं हमें खाने में क्या बनाना है, जो भी सब्जी मतलब। और यहीं से हम अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं अगर दिल करेगा तो स्टार्ट कर लेंगे, नहीं दिल करेगा तो आज रेस्ट कर लेंगे, है ना। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।